हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक खास मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मिठाई की खास बात यह है कि मैंने इसे बिना मावा, बिना घी, बिना चाशनी और बिना आग के बनाया है। जी हां, यह ब्रेड से बनी हुई चमचम मिठाई है जो आपको बहुत पसंद आएगी और यह केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चमचम मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम घर की मलाई को एक कटोरी में निकाल लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मलाई यहाँ पर ताजी हो। दूध को गर्म करने के बाद उसे जब आप ठंडा करते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर एक मलाई की सतह जम जाती है, बस ये वही मलाई है। सबसे पहले हम एक चम्मच की सहायता से इस मलाई को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मलाई आपको ठंडी लेनी है, और अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहले हम चमचम मिठाई की फिलिंग या स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में 3 चम्मच ताजी मलाई ली है, उसी के साथ में मैं 3 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिल्क पाउडर के जो छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम। आप चाहे तो इसमें बारीक कटे हुए काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम चम्मच की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सर थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई या सूखा लग रहा है। और अब मैंने इस स्टफिंग को थोड़ा सा आकर्षक और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें सूखे गुलाब के फूलों की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। और हमें यहाँ पर ना सिर्फ 5 से 6 गुलाब के पेटल्स का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर बहुत ही ड्राई लग रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध। आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करना है और न ही गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। फ्रिज में रखकर ठंडा किया हुआ दूध ही हमें यहाँ पर लेना है। अगर आपको लगे कि चमचम की मिठाई की ये स्टफिंग अभी भी और गाढ़ी है, तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है और मेरी यह स्टफिंग एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है। आप ब्रेड के ऊपर इस मिक्सचर को आसानी से स्प्रेड कर सके, ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो चलिए, फिलिंग हमारी बनकर रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे वाइट ब्रेड की 2 स्लाइसेस, और ब्रेड को राउंड शेप में कट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कटोरी ले सकते हैं, या राउंड शेप का कटर हो आपके पास वो भी ले सकते हैं, या कोई बॉटल का ढक्कन हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितनी भी चमचम की मिठाई बनानी है उतने आप ब्रेड स्लाइस को कट कर सकते हैं। मैं 5 चमचम मिठाई के पीस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 व्हाइट ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लिया है। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 10 व्हाइट ब्रेड को राउंड शेप में काट के रख लिया है। अब मैं एक व्हाइट ब्रेड का स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर इस स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला दूँगी। और फिलिंग को ना आप अच्छी तरह से लगाएं, इसे थोड़ा थोड़ा ना लगाएं, पूरी तरह से भरकर लगाएं, जिससे कि आपको एक परफेक्ट मिठाई का स्वाद मिलेगा। और अब सैंडविच की तरह दूसरी ब्रेड को इस स्टफिंग के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से इसे दबा लेंगे। और अब हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लें, जिससे कि अंदर की स्टफिंग अच्छी तरह से इसमें फैल जाए। और इसी तरह से हम सारी ब्रेड पर मलाई लगाकर सैंडविच टाइप बना लेंगे। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। खास गर्मियों के मौसम में यह ठंडी ठंडी मिठाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, और कोई कह नहीं पाएगा कि आपने इस मिठाई को ब्रेड से बनाया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चमचम मिठाई के 5 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है रोज़ सिरप, जो हमें इस मिठाई के लिए चाहिए। तो आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर रोज़ सिरप ले सकते हैं, और अगर आपके पास में इस तरह का रोज़ सिरप नहीं है तो आप यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यह रोज़ सिरप और रूह अफ़ज़ा बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। और अब इसी के साथ में लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल का बुरादा। और अब इस ब्रेड सैंडविच को हमें रोज़ सिरप में डिप करना है।
ब्रेड को सिरप में ज़्यादा देर तक डिप मत कीजिए, बस अच्छी तरह से एक बार डिप कीजिए और इसे बाहर निकाल लीजिए। और अब इस ब्रेड को ना नारियल के बुरादे में अच्छी तरह से कोट कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चमचम मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हम सभी चमचम मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। और दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से चमचम मिठाई बनाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस तरह से मिठाई को बनाते हैं, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो आप जब भी इस तरह से चमचम की मिठाई बनाएंगे ना, तो इसमें आप ताजी मलाई का ही इस्तेमाल करें, पुरानी मलाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप देख सकते हैं कि नारियल के बुरादे में इस मिठाई को कोट करने के बाद यह मिठाई और भी ज़्यादा आकर्षक दिख रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। चलिए, चमचम मिठाई तो बनकर यहाँ पूरी तरह से तैयार है। अब इस मिठाई को सर्व करने के पहले आप इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि यह पूरी तरह से ठंडी हो जाए। और ये मिठाई जितनी ठंडी होगी ना, उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से ब्रेड की चमचम की मिठाई बनाकर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इस मिठाई को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसके ऊपर कटे हुए बादाम से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। यकीन मानिए, बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट यह मिठाई होती है और इसे आप किफ़ायती दाम पर आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो मैंने मिठाई को 1 घंटे फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये मिठाई चम्मच से आसानी से कट हो जाती है और अंदर से यह बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और इसके अंदर हमने जो मलाई की स्टफिंग डाली है ना, वो इस मिठाई को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।